में स्वास्थ्य टीम ने नौबस्ता पुलिस के साथ मिलकर 2 लाख के नकली नोटों समेत 2 सातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि सातिर लोगों को अधिक फायदे का झांसा देकर नकली नोटों की गड्डियां बेच देते थे। अब तक कानपुर व कानपुर देहात में 1 दर्जन से अधिक लोगों को नकली नोट बेचे गए हैं। पुलिस आयुक्त कानपुर असीम अरुण ने बताया कि बिहारी निवासी राजकुमार चौबे व प्रयागराज निवासी अशोक सिंह लंबे समय से गोरखधंधा कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उन्हें नौबस्ता बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 500 की 4 गड्डियां बरामद हुई हैं, जिसमें नकली नोट थे। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों लोगों को 1 लाख रुपए के बदले 2 लाख के नकली नोट बेचते थे। विश्वास दिलाने के लिए खुद दुकानों पर जाकर उन्हें नकली नोट चलाकर दिखाते थे। ऐसे में लोग अधिक फायदे के लालच में आकर उनसे नकली नोट खरीदकर बाजार में खपा दे रहे थे। नकली नोट खरीदने वालों की भी तलाश की जा रही है। ये शिकायत कानपुर नगर पुलिस को मिल रही थी कि एक ग्रुप है जो नकली नोट का व्यापार कर रहा है और उसी के आड़ में किसी किसी को ठग भी लेता है। सो इससे संबंधित 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, राजकुमार और अशोक नाम के। इनके पास से 2,04,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये नोट कलर प्रिंटर से बनाए गए ऐसे प्रतीत होते हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी नोट्स नहीं हैं और इस संबंध में एक मुकदमा कायम किया गया है नौबस्ता में और जिसमें कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।